हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का फाइनल एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 32 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दानो हारू के पास जाती है, जो कि एंशियंट ट्री के नीचे बैठकर नोटबुक में कुछ लिख रहा था। पर जब वहां दानो आती है तो वो नोटबुक को बेंच के नीचे छुपा देता है। दानो हारू से कहती है, मैंने नोटिस किया है कि अब कुछ भी राइटर के प्लांड स्टोरी की तरह नहीं चल रहा, क्योंकि स्टेज पर हम जो भी एक दूसरे से कह रहे हैं वो बिल्कुल हम वही कह रहे हैं जो हम फील करते हैं। हारू से हक करता है। दानो कहती है, हारू कुछ सेकंड्स के लिए तुम मुझे नहीं देखो, ऐसे ही रहो। हारू कहता है, ठीक है। दानो पूछती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? हारू कहता है, हाँ। दानो पूछती है, पर मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। हारू सरप्राइज होता है। दानो कहती है, मैं तुम्हें लव करती हूँ। फिर वो दोनों अंदर लॉबी में जाते हैं। दानो शू लेस टाई करने के लिए झुकती है। जब वो खड़ी होती है तो देखती है कि वहाँ हारू नहीं है। दानो बहुत घबरा जाती है। तभी स्टेज स्टार्ट होती है। दानो क्लासरूम में हारू को देखकर टेंशन फ्री हो जाती है। स्टेज पर नामजू और जुदा अनदर अनाउंसमेंट करते हैं। इस टाइम वो दोनों अपना लव डिक्लेयर करते हैं। और जैसे ही स्टेज एंड होती है, हारू अगेन डिसअपीयर हो जाता है। हारू वापस लाइब्रेरी में आ जाता है और दानो जल्दी से उसे ढूंढ लेती है। लाइब्रेरी की लाइट जाने लगती है तो हारू और दानो भागते हैं। पर जब वो हॉल में पहुंचते हैं तो अब उनके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। दानो पैनिक हो जाती है जब वो देखती है कि हारू का चोट का निशान डिसअपीयर हो रहा है। पर शांति से हारू दानो से कहता है, फ्लावर बुक में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पर इस टाइम मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा फेट चेंज कर दिया। बट आई एम सॉरी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लास्ट सीन में नहीं हूँगा। एक के बाद एक लाइट जाती जा रही थी, पर हारू स्वीटली दानो से कहता है, तुम रो नहीं क्योंकि मैं खुश हूँ, तुम मेरी बिगनिंग हो और मेरा एंड भी। हारू दानो से अपना नेम लेने को कहता है। दानो रोते हुए उसका नेम लेती है, हारू। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। वो दोनों डार्कनेस में पहुंच जाते हैं। दानो जब वापस लाइट में आती है तो खुद को अकेला देखती है। फाइनली एक साल बाद ग्रेजुएशन डे आ जाता है। सभी स्टूडेंट्स गैदर होते हैं पिक्चर लेने के लिए, क्योंकि आज उनका लास्ट डे है स्कूल का। नामजू अभी भी स्कूल का बॉस है, पर अब जुदा नामजू की बॉस है, इसलिए उसे कोई बुली नहीं करता, बल्कि वो ही अब इस प्लेस को चलाती है। क्योंग दानो से नर्स रूम में मिलता है, जो कि हारू की विश लिस्ट देख रही थी। क्योंग दानो को स्माइल करने को कहता है क्योंकि आज गुड डे है। फिर क्योंग A3 के रूम में जाता है नामजू और दोवा से मिलने। दोवा उन्हें सैपी स्पीच देता है ये बताने के लिए कि वो अपने बडीज को बहुत लव करता है। नामजू कहता है, हम सब बस ग्रेजुएट हो रहे हैं, ना कि कहीं जा रहे हैं, और हम हमेशा A3 रहेंगे। इवन क्योंग भी ये बात एडमिट करता है कि A3 शाइन ब्राइटेस्ट जब वो साथ में होते हैं। सभी स्टूडेंट्स गैदर होते हैं ग्रुप फोटो के लिए। नीचे ट्री के पास खड़ा हुआ था सोयांग उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम भी फोटो लेना चाहते हो? नीचे कहता है, नो थैंक्स, क्योंकि यहाँ का मैं कुछ भी याद नहीं रखना चाहता। सोयांग कहती है, वैसे भी ये बुक का लास्ट पेज है। फाइनली नीचे को पता चल जाता है कि सोयांग सेल्फ अवेयर है। सोयांग कहती है, मैं सोचती थी कि मैं बस तुम्हें देखकर खुश रह सकती हूँ, पर मैं गलत थी। आई मिस्ड यू सो मच। नीचे खुशी की वजह से उसे हग करता है। नामजू दोवा को अपनी क्लास पिक्चर के लिए इनवाइट करता है। दोवा भी कम नहीं है, वो जुदा के पास जाकर खड़ा होता है। जब कैमरा पिक्चर क्लिक करता है तभी दानो को हारू की वॉइस में अपना नेम सुनाई देता है। दानो अंदर जाती है और हारू के लॉकर पर उसका नेम लिखती है। लगता है दानो ऐसा डेली कर रही थी एक साल से। देन वो लॉकर में से वॉच निकालती है जो अभी भी लॉकर में रखी हुई है। क्योंग दानो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है ग्रेजुएट होने पर और उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि उसे लग रहा है जैसे ये लास्ट चांस है सब कहने का और करने का। फिर क्योंग अपनी टेनिस बॉल लॉकर से निकालता है और बाहर आकर अपने डिप्लोमा के ऊपर बॉल रख देता है। क्योंग अपने चारों तरफ देखता है जैसे कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि जल्दी ही कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसी टाइम क्लास में दानो हारू की डेस्क पर बैठती है और विंडो के बाहर देखती है। जब वो वहां से चली जाती है तो वो अपना डिप्लोमा और हारू की वॉच वहीं छोड़ जाती है
और डेस्क पर लिखती है, हारू कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम 19 ईयर ओल्ड दानू। देन सभी स्टूडेंट्स गैदर होते हैं फाइनल स्टेज के लिए, जिसमें नामचू जुदा से कहता है, मेरा बिगेस्ट सीक्रेट ये है कि मैं तुम्हें लव करता हूँ। वही एंशियंट ट्री के नीचे दानू बैठी हुई थी, तभी उसे बेंच के नीचे हारू की नोटबुक मिलती है, जो हारू ने एक साल पहले बेंच के नीचे छुपाई थी। उस नोटबुक का टाइटल है दानोस हारू मींस दानोस डे। उसमें हारू ने खुद की और दानू की स्टोरी की पिक्चर्स ड्रॉ की हैं। उस दिन से जिस दिन वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे और लास्ट टाइम तक जब वो ट्री के नीचे बैठे थे। लास्ट पेज पर हारू ने लिखा है, आई होप कि ये नोटबुक दानू के लिए अनफॉरगेटेबल गिफ्ट बन जाए। दानू नोटबुक देखकर रोने लगती है और हारू को थैंक्स कहती है उसके फर्स्ट लव और उसका फेट बनने के लिए। फिर दानू को पेज फ्लिपिंग की साउंड सुनाई देती है। फाइनली ये स्टोरी एंड होती है और न्यू स्टोरी स्टार्ट होती है। अब दानू ओल्डर हो गई है और उसके हेयर लॉन्ग हो गए हैं। वो हानी यूनिवर्सिटी के कैंपस में भाग रही है क्योंकि वो अपनी क्लास के लिए लेट हो गई है। दानू क्लास में पहुंचती है और क्लास के काफ़ी स्टूडेंट्स फैमिलियर लगते हैं, पर इस टाइम सभी अपने डिफरेंट डिफरेंट रोल में हैं। सीक्रेट बुक के बुलीज भी इस स्टोरी में अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन गए हैं। सोचियोल भी बहुत हैंडसम बन गया है और सेमी उसका क्रश है। जिन बुलीज भी इस स्टोरी में सेमी की फ्रेंड्स हैं। नामजू को भी इस स्टोरी में माइनर रोल मिला है और उसे कैंपस में वर्स्ट ड्रेसअप के लिए जाना जाता है। सेमी और उसकी फ्रेंड्स नामजू को देखकर कहती हैं, ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। उन्हें नहीं पता कि सीक्रेट बुक में वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। देन कैंपस लाइब्रेरी में दानू एक टॉलर गाय के पास से कई बार निकलती है। वो गाय फैमिलियर लगता है पर अभी उसका फेस नहीं दिखाया जाता। दानू कैंपस में बैठकर बुक रीड करती है, तभी पेज पर स्मॉल ब्लू बटरफ्लाई आती है। फिर दानू उस बटरफ्लाई को फॉलो करती है। वो बटरफ्लाई एग्जीबिशन में लगी हुई एक ड्राइंग पर बैठ जाती है। उस ड्राइंग में एक बॉय और एक गर्ल साथ में ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। सेमी और उसकी फ्रेंड्स की बात दानू सुन लेती है। वो कहती है कि ये एंशियंट ट्री 10 अक्टूबर को 300 ईयर्स का हो जाएगा। दानू उसी ट्री के पास जाती है। रास्ते में उसे वही टॉल गाय मिलता है पर वो उसका फेस नहीं देख पाती। दानू उस ट्री को धूल लेती है और काफ़ी टाइम तक उसके नीचे बैठी रहती है, पर कुछ नहीं होता। जब वो वहाँ से जाती है तो उसे वही बात सुनाई देती है जो उसने हारू से कही थी सीक्रेट बुक में, चाहे हम स्टेज पर हों या शेडो में, 10 अक्टूबर को हम इस ट्री के पास मिलेंगे, जिससे हम एक दूसरे के साथ रहेंगे लंबे टाइम तक इस ट्री की तरह। और उसे अनदर वॉइस सुनाई देती है, हम साथ में 90-20 के होंगे। दानू मुड़कर देखती है और भागकर वापस जाती है। इस टाइम हारू ट्री के पीछे से आता है। दानू कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पर हारू ब्लैंकली उसे घूरता है। दानू उसे ड्राइंग दिखाती है पर हारू अभी भी उसे पहचान नहीं पाता। डिसअपॉइंटेड और कंफ्यूज दानू बेंच पर ड्राइंग रखकर जाने लगती है, पर हारू उसे बुलाता है और भागकर उसे बैक हग करता है। वो दोनों रोने लगते हैं। हारू कहता है, आई मिस यू। दानू कहती है, आई मिस यू हारू। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं क्योंकि वो फाइनली लास्ट में फ्री हो गए साथ रहने के लिए। और एपिसोड 32 यहीं एंड होता है। इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं एंड होता है। आई होप आप सभी को इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो।